हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर फिफ्थ के बेसिक कंसेप्ट्स, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और कैसे है पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी हमारे बेसिक्स हैं उस सब के बारे में हम इस वीडियो में करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एपी। आपको दिया मिलेगा इसमें एक वर्ड एपी। ये एपी होता क्या है आपको पता होना चाहिए। एपी की जो फुल फॉर्म है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही छोटा झुक करके उसको एब्रिवेशंस में क्या कहा गया है, एपी कहा गया है। ओके, तो देखिए एपी होता क्या है। सबसे पहले ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज एपी। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इट इज ए सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स की एक सीक्वेंस है, सच दैट द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट होता है सेम। ये नंबर्स की एक ऐसी सीक्वेंस है जिनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो समान रहता है। अब ये सीक्वेंस क्या होता है, आपने सुना होगा काफ़ी बार सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस मतलब एक क्रम में, एक आकार में। तो इसमें देखिए सीक्वेंस क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स। जो सीक्वेंस है वो नंबर्स का सेट है, एक तरीका है उनका। ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड, जिनको अरेंज किया जाता है इन ए डेफिनेट ऑर्डर, जिनको एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ये सीक्वेंस होती है, सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर। कि एक डेफिनेट ऑर्डर में हम नंबरों को जो सेट करते हैं उन्हें उनकी सीक्वेंस बोला जाता है। कि जैसे आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किए हैं, ये सेट ऑफ नंबर्स ही है। ठीक है, ये सीक्वेंस ही है इनके नंबर्स की। अब देखिए, जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा एग्जांपल्स ऑफ एपी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे मैंने डैश करके लिख दिया लास्ट में 50। अब ये एक एपी है, कैसे एपी है, देखिए इसमें था कि इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। ये एक सीक्वेंस है नंबर्स की। ओके, सीक्वेंस है, यहाँ पे क्रम में नंबर है। ये नहीं है कि आपने वन के बाद यहाँ पे फाइव लिख दिया, फिर टू लिख दिया, फिर फोर लिख दिया, ऐसे नहीं है। ये सभी नंबर एक ऑर्डर में है, आपका असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है ऑर्डर होना चाहिए। ओके, बीच से नहीं होनी चाहिए कोई टर्म्स। दूसरा, उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए सबका। तो यहाँ से देखिए आप, वन और टू, इनका डिफरेंस कितने का है, वन का है। इसमें भी डिफरेंस वन वन वन, तो ये आगे तक सब में जो डिफरेंस है वो सेम आएगा, तो वो आपका क्या होगा, एपी होगा, अगर डिफरेंस सेम है तो। सेकंड, आप देखिए जैसे आपने लिखा यहाँ पे 6, 6, 6, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस भी सेम होगा। 6 में से 6 माइनस करोगे क्या बचेगा, 0। तो यहाँ भी आपका डिफरेंस है वो सेम है। तीसरा, आप देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 20, 17, 14, 11, 8, so on। तो यहाँ पे देखिए 20, 17, 14, 11, 8, यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है। आप देखोगे हर नंबर के बीच में तीन तीन का डिफरेंस है, यहाँ पे 3, 3, 3, 3, सबके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, तीन का है, थ्री का है। तो डिफरेंस क्या है, सभी में इक्वल है। ओके, अब इसमें जो हमारे ये जो इस टाइप के जो सीरीज होगी नंबर्स की, इनको हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। क्या कंडीशन होनी चाहिए एपी के लिए, इनका डिफरेंस क्या है, इक्वल होना चाहिए सभी टर्म्स का जो डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। इसके दो पार्ट्स हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी का मतलब है जिस एपी में आपको लास्ट टर्म पता हो, जिस एपी की आपको लास्ट टर्म दी हुई है वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट एपी कहलाएगा। इसमें लिमिटेड टर्म्स होती है, जैसे ये 50 है लास्ट टर्म, तो हमें पता है कि इसमें 50 ही टर्म्स है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो दिस एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स, दिस एपी हैज़
लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में जो टर्म्स है वो क्या है, लिमिटेड है। हमें पता है कि इसमें लास्ट कितने टर्म्स हैं। ओके, तो ये हो गया फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, ये इनफाइनाइट एपी क्या है, जिसमें हमें नहीं पता कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, हमें लास्ट टर्म का नहीं पता। जैसे आपका ये है, इसमें हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा, आपका आगे इनफाइनाइट तक है, तो इन्हें हम कहेंगे इनफाइनाइट एपी, जिसमें हमें लास्ट टर्म का नहीं पता कि इसमें कितने टर्म्स हैं। ओके, तो जिसमें लास्ट टर्म पता है फाइनाइट, जिसमें नहीं पता वो इनफाइनाइट एपी। आपको पता लग गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें आपके नंबर्स एक सीक्वेंस में होते हैं या एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो एपी के टू टाइप्स हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एपी या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगी, देखिए ये एपी आपके पास आ गए, ये हमारे जो सभी पद हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एपी बना रहे हैं। अब एपी की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, जो हमें उसकी फॉर्म का पता होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या फॉर्म है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए होती है, ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड पे जो टर्म आएगी वो आपकी होगी ए प्लस डी, ये हमारी सेकेंड टर्म है। थर्ड है ए प्लस टू डी, ये हमारी थर्ड टर्म है। ए प्लस थ्री डी, ये हमारी फोर्थ टर्म है। ऐसे ऐसे करके आप लास्ट तक कितने भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एपी, जिसमें आपकी टर्म्स दी हुई है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, तो यहाँ से आप एपी बना सकते हो अगर हमारे पास ए और डी हो। अब ये ए और डी क्या होता है, तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका है, ए है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और जो डी है ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। ओके, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इसको आप फर्स्ट टर्म को ए वन भी बोल सकते हो, ये ए टू हो गया, ए थ्री हो गया, ए फोर हो गया, ऐसे हमारे लास्ट तक जाएंगे। ओके, तो जब हमें निकालना है तो जो ए होगा वो हमारी एपी की फर्स्ट टर्म होगी, और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है एक दूसरे टर्म्स के बीच में, जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हम फर्स्ट में से सेकंड टर्म को माइनस नहीं करेंगे, हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो वहाँ से हमारा निकलेगा कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एपी यहाँ पर बना के दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ए इज इक्वल टू फाइव एंड डी इज इक्वल टू थ्री, हमें ये दे दिया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है थ्री। तो इससे हम एपी कैसे फॉर्म करेंगे, एपी कैसे बनाएंगे, हमें पता है ए और डी का। अब हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म क्या होती है, ए ही है हमारे पास, और ए क्या है आपका फाइव। सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, तो ए आपके पास फाइव है और डी आपके पास थ्री है, ये क्या बन गया एट। थर्ड टर्म क्या होती है, ए प्लस टू डी, तो ए आपके पास हो गया फाइव, टू इंटू डी हो गया थ्री, तो ये आपके पास बन गया फाइव प्लस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स और फाइव कितने हो गए इलेवन। ऐसे हम ए फोर निकालेंगे, ए प्लस थ्री डी, ये जो टर्म्स हमने यहाँ पे लिखी है यही एपी के टर्म्स हैं, इनको फाइंड आउट करेंगे। ए की जगह हम फर्स्ट जो आपको दे रखा है ये लिखेंगे, डी की जगह हम थ्री लिखेंगे, और अब हमारी जो वैल्यू है वो निकलती चली जाएगी। तो ए की जगह फाइव, थ्री डी नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन और फाइव फोर्टीन। तो यहाँ से हमें जो कुछ टर्म्स मिले हैं इनसे हम एपी बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमारी एपी बनेगी वो क्या होगी, फाइव एट इलेवन फोर्टीन एक्स्ट्रा। तो ऐसे करके हम इनसे एपी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, दो दो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, ये जो डी होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी, और ये कैसे निकलता है, ए टू माइनस ए वन। सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, ऐसे ही आप
A3 माइनस A2 कर सकते हो, A4 माइनस A3 कर सकते हो। जैसे यहाँ से हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, यहाँ से इनमें से हमें फर्स्ट टर्म A है और सेकंड टर्म 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास A1 5 है, A2 8 है। ओके, तो यहाँ से हमारा D कैसे निकलेगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 8 है, A1 हमारे पास 5 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 3 हो गया। जो D है वो क्या है, 3 है, और हमें पहले से दिया हुआ है D क्या है, 3 है। तो ऐसे हम निकालेंगे इनका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने से हमारे पास AP तैयार हो जाएगी। तो आज आप इस वीडियो में इतना ही समझिए, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।